नमस्कार, स्वागत करम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। आज सूर्य एक एभली कहानी मुझमान पाक आनी आ जाने आपण मैं निश्चित भाव गर्व करेंगे। से आउ किए नुहंती, से होंगे प्रभात पुरुष बिजु पट्टनायक, जहाँ को आम डेगा मनीष भाव समस्त जानते। ए स्टोरी ऑफ ए टॉल मैन, जहाँ संपर्क में जिते जाने भी तथा मन आहरी जानवाक इच्छा कै। तेज आज हूँ पुण्य श्राद्ध दिवस। 1997 मसीह एप्रिल 17 तारीख से देहत्याग करते। ये लंबा जीवन तांकर किभली थिला, तेबे ये संपर्क अधिक जानिबा पाई आपण माने आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को मोर अनुरोध। तेबे कहानी भितर को जीवा पूर्व बिजु बाबू को जीवन संपर्क रे अंततः पक्षे गुरुत्वपूर्ण पांचटी प्रसंग में आलोचना करने को चाहे। प्रथम तो बिजु बाबू को जीवन थिला एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक। बिजु बाबू गंजाम जिले में जन्मग्रहण करते। लक्ष्मी नारायण पट्टनायक और माता आशालता देवी कोलमंडन करके बिजु बाबू जन्म होते। बिजु बाबू को माँ जड़े बेंगली थे। बिजु बाबू को पत्नी ज्ञान पट्टनायक जड़े पंजाबी थे। बिजु पट्टनायक कन्या गीता मेहटा जड़े अणओड़िया को विवाह करते। तो निर्दिष्ट जाति, निर्दिष्ट धर्म व निर्दिष्ट अंचल भितर बिजु बाबू सीमाबद्ध नथिले। शैशव तांकर कटिथला कटक। खूब दुस्साहसी आउ खूब अग्रणी मध्य थिले। तबे बिजु बाबूंकर जन्म, तांकर विवाह, तांकर जौवन एवं कैशोर, ए सबु अनेक आकर्षणीय, अनेक मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रखे। द्वितीय प्रसंग हूँ बिजु बाबू अलवेज लाइक्स टू गो इन अपोजिट। सब स्रोतर प्रतिकूल जावाक बिजु बाबू पसंद करते। कारण बिजु बाबूंकर जीवन को जब आम भल कर तन्न तन्न कर देखती, सबुबले दुस्साहसिक निष्पत्ति नबारे बिजु बाबू आगे। बिजु बाबूंकर जितेबले 1945 मसीह तत्कालीन इंडोनेशियार शासक सुकर्ण को रक्षा करने उद्धार करने भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेल बिजु बाबू को निर्देश दिखती। से बिजु बाबू तक डाकुटा नहीं कि जाती, से जो प्रकार स्थिति, जो प्रकार अवस्था, जहाँ के भाषा वर्णना करा, किंतु बिजु बाबू सबुबले स्रोतर प्रतिकूल जाए किसी करिश्मा कर देखा सब चेष्टा करते। आउ एक गुरुत्वपूर्ण क्यारेक्टर हूँ जे बिजु बाबू जीवन में कौन निर्दिष्ट सीमा ना, स्काइज द लिमिट। बिजु बाबू कौन निर्दिष्ट जगार पहुँची जाए कि थकी पड़ते नहीं, से कौन गोटे निर्दिष्ट काम भितर सीमाबद्ध नुह। ओडिशा को सारा विश्व दरबार परिचित करने से सर्वदा चेष्टा करते। जड़े राजनेता, जड़े शिल्पपति, आउ जड़े जननेता भाव से परिचित थे। बिजु बाबूंर ये जो अदम्य इच्छा शक्ति जीवन में बहुत आग को नहीं। आज जड़े इंडस्ट्रियालिस्ट हिसाब से ओडिशा रे अनेक कल कारखाना शिल्प ही से प्रतिष्ठा करते। तत्कालीन भारत जे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित अत्यंत सुसंपर्क आनेक समय क्या क्राइसिस मैनेजर। बिजु पट्टनायक सबु समय आवश्यक पड़ती। जवाहरलाल नेहरू अत्यंत विश्वस्त, जितेबाला कौन समस्या हुए से द्वितीय विश्वयुद्ध समय समय सोभियत रुष सामरिक शक्ति को समर्थन देवा हो, बॉर्डर रे भारत पाकिस्तान युद्ध समय आवश्यकता हो, सबुबे जवाहरलाल नेहरूर पाखे पाखे थिले बिजु बाबू। कारण जवाहरलाल नेहरूर डिफेन्स आडभइजरी कमिटी बिजु बाबू थे, सबुबले ही उत्तम परामर्श दौले। आउ बिजु बाबू को से कहुए क्राइसिस मैनेजर, जो कम कहीं करें से कम बिजु बाबू करू। बिजु बाबू तर से डाकोटा को नहीं से दिन इंडोनेशिया जाते, आउ डच मान कबलू से दिन से सुकर्ण को सुल्तान सहरियार को से दिन उद्धार करते, जो आज इंडोनेशिया सरकार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान सन अफ दि सल प्रदान कर। बिजु बाबू जन्म और मृत्युर तिथि को इंडोनेशिया सरकार पालन करते। इंडोनेशिया सरकार सुकर्ण जे कन्या मेघावती, जहाँ सहित बिजु बाबू पर घनिष्ठ संपर्क अच्छे, आ मेघावती सुकर्ण कन्या मेघावती जी इंडोनेशिया रा परवर्ती राष्ट्रपति हेले, ना बिजु बाबू आ ज्ञानदेवी, ये उभय ना दे ये हूँ बिजु पट्टनायक। आउ सब गुरुत्वपूर्ण आउ एक चरित्र हूँ जे बिजु बाबू थे पीपुल्स लीडर। बिजु बाबू थे लोकंर नेता, क्षमतार बेसी दिन बसी ना थे। दीर्घ अर्ध शताब्दी धरी ओडिशा राजनीति से सक्रिय थे, मात्र 7 वर्ष मुख्यमंत्री थे। अनेक प्रधानमंत्री को तैयारी करिवार तांकर हाथ अच्छे, किंतु मात्र 7 वर्ष ये मुख्यमंत्रीत्व भितर ओडिशार प्रत्येक लोकंर हृदय को से जय करते। से कहुए पीपुल्स लीडर। दुर्नीति भ्रष्टाचार को से आदम पसंद करन, लोक आह्वान करुले जे दुर्नीति करुच्ची समस्ते निज हाथ में दमन करूँ बोली यही कथ कहीं कही ना। बिजु बाबू दुस्साहसी थे, छोट छोट कथ को गुरुत्व दौले। ये जड़े व्यक्तित्व जहाँ आज
ये पुण्य तांकर श्राद्ध तिथि आमे पालन करूचे आउ ये श्राद्ध तिथि रे एभली मनीषर गुण को जिते बखाणिले तथापि कम हम तेबे बिजु बाबू थिले जन उच्चांग मनीष जन डेंगा मनीष खाली कथार नुह बा काम नुह भावना तेज निश्चित भाव में कहानी टी आपण मानक बहुत भल लगे जब भल लगी है तो आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदम भूल मुझे आसवा आपको सुंदर कहानी से जारी नमस्कार।